भाजपा प्रवक्ता तोमर बोले, सुखू राज में प्रदेश में बेलगाम हुए अपराधी व खनन माफिया। महज 6 माह में इलीगल माइनिंग के 4,360, महिलाओं से दुराचार के 177 व 45 मर्डर होने को प्रदेश में जंगल राज करार दिया। उद्योग मंत्री से काफी कम मार्जिन से हारे बलदेव तोमर ने खनन माफिया व अपराधियों को सरकारी संरक्षण पर भी सवाल उठाए। गत माह शिलाई के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नाथूराम भी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर पर लगा चुके हैं लाइमस्टोन व रेत बजरी खनन कारोबार में शामिल होने के आरोप। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर द्वारा कुल्लू में बाढ़ से हुई तबाही का कारण अवैध खनन को बताए जाने संबंधी बयान को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया था बचकाना। कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से खनन माफिया पनप रहा है और क्राइम रेट बढ़ रहा है, उससे पूरे देश के अंदर हिमाचल की छवि खराब हो रही है। पिछले 7 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में 4,360 मामले अवैध खनन के सामने आए। जब से भी सर ये मायने चली है, जो कि मायनों वालों को हम बोलते हैं कि यहाँ पर मलबा मत डालना है, दो दो मशीन यहाँ पर चली हुई है। हमारी जितनी भी जमीन है सर, मेरी जमीन शेर सिंह मेरा नाम है सर, मेरी जमीन जो भी है इन्होंने सरकारी दिखा रखी है सर, सारी जमीन है। ये पैसे खाते हैं, पैसे खा के सर इन्होंने जो भी कर रखा है, मेरे साथ गलत कर रखा है सर। आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है, और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है, क्योंकि आपके खुद के भी क्रेशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियां मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। अभी मैं आपको पौंटा का ताज़ा उदाहरण बताया, आपने भी कहा कि 100 मीटर के दायरे में क्रेशर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं है? पौंटा साहब में जहाँ से भी 5 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, आर्मी का हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा, वहाँ पर तो क्रेशर बिल्कुल साथ में। ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है, ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, दो स्थान पे या तीन स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू ज़िले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, ये उनका बचकाने वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छुटमुटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। पॉलिसी लाई जानी चाहिए ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवा कर उसकी सरकार रॉयल्टी ले। चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है, और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किस किन लोगों का इसमें संरक्षण है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा, और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। भाजपा राज्य प्रवक्ता बलदेव तोमर ने आज हिमाचल में सत्तासीन कांग्रेस व सुखविंदर सुक्खू सरकार पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को न संभाल पाने के आरोप लगाते हुए कहा कि महज 7 माह के कार्यकाल में सूबे में जंगल राज साफ साफ दिख रहा है। हिमाचल में खनन माफिया के बेलगाम होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महज 7 माह के भीतर प्रदेश में जहाँ इलीगल माइनिंग के 4,360 के करीब केस दर्ज हुए, महीन में से 7 ईडी को भेजे जा चुके हैं, जबकि 854 चालान कोर्ट भेजे गए हैं। इस अवधि में इस छोटे से प्रदेश में 45 लोगों की हत्याएं होने पर 177 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज होने को तोमर ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत बताया। 7 माह में सूबे में 10,142 के करीब विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज होने, चंबा में दलित युवक के टुकड़े टुकड़े किए जाने व ऊना में पुलिस पर हुए हमले, बलदेव तोमर ने देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटनाएं बताया। भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में सीएम जयराम ठाकुर के खासम खास कहलाने वाले बलदेव तोमर उस दौरान जहां अपने विधानसभा हलके में कांग्रेस एमएलए होने के बावजूद एसडीएम ऑफिस, सिविल कोर्ट, बीडीओ ऑफिस, कॉलेज, डीएसपी ऑफिस, जल शक्ति पर इलेक्ट्रिसिटी विभाग के डिविजनल ऑफिस व सिविल हॉस्पिटल जैसे संस्थान खुलवाने के लिए चर्चा में रहे वहीं गिरफ्तार की 55 साल पुरानी एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा उन्हें हाटी पुत्र नाम दिया गया है। ये सब करने के बावजूद तोमर गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में हर्षवर्धन से लगातार दूसरी बार हारे और गिरिपार के 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले किराई पर रेणुका जी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 80 वोट पोलराइज होने के चलते भाजपा की लुटिया डूब गई। गौरतलब है कि गत माह हिमाचल सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा कुल्लू मनाली में आई बाढ़ का कारण जहां इलीगल माइनिंग को करार दिया गया था, वहीं प्रदेश के उद्योग एवं खनन मंत्री
हर्षवर्धन चौहान ने उनके इस बयान को बचकाना करार दिया था और तब से सोशल मीडिया पर प्रदेश में अवैध खनन चर्चा में है। उस दौरान सिरमौर से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता नाथूराम ने भी उन पर खनन कारोबार अथवा अवैध खनन में संलिप्त होने के आरोप लगाए थे और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पर शिलाई के अलावा पाउंटा व उपमंडल संगड़ाह में भी लाइमस्टोन खनन माफिया को संरक्षण के आरोप लगते रहे हैं। जब से पिछले 6 महीनों से कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से खनन माफिया पनप रहा है और क्राइम रेट बढ़ रहा है, उससे पूरे देश के अंदर हिमाचल की छवि खराब हो रही है। पिछले 7 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में 4,360 मामले अवैध खनन के सामने आए हैं, जिसमें से कि खनन माफिया के 7 मामले कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भेजे गए हैं। इसके अलावा 854 चालान विभिन्न न्यायालयों के लिए भेजे गए हैं और इसके अलावा खनन अधिनियम के तहत 29 मामले दर्ज हुए हैं। अभी तक खनन माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर अवैध खनन पनप रहा है। कोई ठोस नीति अवैध खनन को रोकने के लिए अभी तक प्रदेश सरकार नहीं बना पाई है। इसके अलावा पिछले 6 महीनों के अंदर हिमाचल प्रदेश में क्राइम रेट बहुत बड़ा है। लगभग विभिन्न धाराओं में 10,000 से अधिक के मामले पिछले 6 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जिसमें से कि जनवरी से जून तक 45 मामले मर्डर के दर्ज हुए हैं और 177 मामले दुराचार के दर्ज हुए हैं। प्रदेश पुलिस ने नशे पर नकेल कसने का प्रयास किया है और इसमें भी 1230 मामले पिछले 6 महीने के अंदर दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कानून की व्यवस्था है वो चरमरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है और जिस प्रकार से क्राइम रेट और अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं, उससे हिमाचल प्रदेश की छवि पूरे देश के अंदर खराब हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों ऊना में जिस प्रकार से मुजरिमों के द्वारा पुलिस को ही दबोचा जा रहा था, उससे मुजरिमों के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ये पूछती है कि ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है। सुहागन कीनी रे मोसनना मिलाई के छाप तिलक